बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की इस वीडियो में मैं अपने न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को स्क्वायर कट पजामा की ड्राफ्टिंग का तरीका सिखाऊंगी और जिस मेथड से सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ मेरी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इतने से पहले हमारे पास साइज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किस साइज़ पर ड्राफ्ट बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में साइज़ को फार्मूले की मदद से निकालने का मुकम्मल तरीका भी सिखाऊंगी। और अगर आप किसी भी साइज़ में स्क्वायर कट पजामा बनाना चाहेंगी तो इस फार्मूले की मदद से बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि आप देख सकती हैं जो हमारा स्क्वायर कट पजामा होता है ये कुछ इस टाइप का बना हुआ होता है। जो हमारा फैब्रिक होता है वो क्या होता है, स्क्वायर में फैब्रिक लेके उसे त्रिकोण में कर दिया जाता है, ये इस तरह। मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। और अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो आपके पास फार्मूला होगा तो आप बहुत ही ईजी तरीके के साथ बना सकेंगी। यहाँ पर जो मेरे पास साइज़ है यहाँ पर 46 सेंटीमीटर है, यानी कि जब हम अपना ड्राफ्ट बनाते हैं वो क्या होता है, सेंटीमीटर की मदद से बनाया जाता है। और अगर इसी तरह देखा जाए इंचिस टेप में, एक तरफ तो इंचिस में इंचिस के निशान दिए होते हैं और अगर दूसरी तरफ उसको देखा जाए तो हमारे सीएम के निशान दिए हुए होते हैं। हमेशा जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो क्या होता है, सीएम की मदद से बनाया जाता है। सीएम की मदद इसलिए बनाया जाता है कि हम अपनी कॉपी पर भी बहुत ही ईजी तरीके के साथ छोटे साइज़ में बना कर रख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी लेंथ है 46 cm है। अब फार्मूले के मुताबिक जब मैंने बनाना है वो किस तरह बनाना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कुल लंबाई का फार्मूला। ये आप किस तरह निकालेंगी, कुल लंबाई के लिए आप क्या करेंगी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी असल लंबाई जो आपकी किसी भी साइज़ में आप बनाना चाह रही हैं वो लंबाई लिखनी है। यहाँ पर जो मेरी लंबाई है 46 cm है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 46, और उसमें आपने क्या करना है, प्लस आप क्या करेंगी जो आपकी असल लंबाई है उसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4। ये यहाँ पे 46 है, ये अगेन 46 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगी। और जो आपको इसको डिवाइड करके और इसमें प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगी, आपकी असल लंबाई। यहाँ पर मैं आपके सामने करती हूँ, 46 में टोटल लेंथ है, इसमें मैंने प्लस करना है 46 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 57.5 cm। यहाँ पर जो अब मेरी लंबाई निकली है जब आप फैब्रिक पे लगाएंगे निशानात वगैरह आपको मज़ीद समझ आएगी कि क्या होगी, 57.5 cm। अब उसके बाद बारी आती है बॉडी की लंबाई। बॉडी की लंबाई कौन सी है, यहाँ से जो हमारी लंबाई है 28.1 cm, ये किस तरह निकाली गई है ये आपको बताऊँगी। यहाँ पर बॉडी की लंबाई के लिए लंबाई डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने, यानी 1/2 + 1/9, यानी कि आपने पहले क्या करना है, लंबाई को 2 पर डिवाइड करना है और उसके बाद प्लस करना है, लंबाई को 9 पर भी डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो आपको इन दोनों को काउंट करने के बाद जो आपकी लेंथ होगी टोटल वो क्या होगी, 28.1 cm। ये मैं आपके पास अगेन करती हूँ आपको मज़ीद समझ आएगी। यहाँ पर बॉडी की लंबाई लिखूँगी पहले, यह कितनी है मेरी 1/2। 1/2 क्या है, हमारी टोटल लंबाई को हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है, 46 डिवाइडेड बाय 2, और इसमें आपने प्लस करना है, फिर आपने टोटल लंबाई लिखनी है ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय 9। अब आपने इसे इक्वल करना है, यहाँ पर मैं आपको सामने करूँगी। अब 46 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी, सबसे पहले मैं आपके पास 46 डिवाइडेड बाय जब आप 2 करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, 23 cm। अब इसमें आप क्या करेंगी, प्लस। अब आपने क्या करना है, 46 डिवाइडेड बाय 9, 46 डिवाइडेड बाय जब 9 करेंगी तो आपके पास क्या है, 5। यहाँ पर मैं क्या लूँगी, 5.1। अब 5.1 प्लस 23 करना है आपने, आपके पास क्या बनते हैं, 28.1 cm, यानी कि आपके पास जो बॉडी की लंबाई आई है वो क्या है, 28.1
सेंटीमीटर। अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहेंगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लेंथ चेंज रखनी है। अगर यहाँ पर आप किसी बड़े साइज़ में बनाना चाह रही हैं, अगर आप 50 है या 52 सेंटीमीटर में बना रही हैं, तो आपने क्या करना है, 52 को डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसी तरह प्लस करना है, और ऊपर भी आपने लंबाई लिख के 9 पर डिवाइड करने के बाद, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आपको टोटल होगा वो क्या होगा, बॉडी की लंबाई। बॉडी की लंबाई जैसे कि मैंने आपको बताया था ये है 28.1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बारी आती है बॉडी की चौड़ाई। बॉडी की चौड़ाई निकालने का फार्मूला क्या है, लंबाई डिवाइडेड बाय 2। लंबाई कितनी है, 46 आपकी, उसे डिवाइडेड बाय 2 करना है आपने। 46 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, 23 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या होगा, 23 सेंटीमीटर बॉडी की चौड़ाई निकली है। ये बॉडी की चौड़ाई कौन सी है, यहाँ से इस पॉइंट से जो आगे की तरफ हमारी चौड़ाई ली गई है वो क्या है, बॉडी की चौड़ाई, वो क्या है, 23 cm। अब उसके बाद बारी आती है घुटने से समाल का फासला। घुटने से समाल का फासला हमारा क्या है, ये हमारा घुटना बनता है, जो बॉडी की लंबाई ख़त्म होती है उससे नीचे की तरफ क्या बनता है, घुटने से समाल का फासला है। घुटने से समाल का फासले का हमें कैसे मालूम होगा, यहाँ पर मैं फार्मूले की मदद से आपको बताऊँगी। आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो बहुत ही ईजी तरीके से बना सकेंगी। घुटने से समाल का फासले के लिए फार्मूला है लंबाई डिवाइडेड बाई 18। लंबाई कितनी है, 46 डिवाइडेड बाय आप 18 करेंगी और उसमें प्लस करेंगी। यहाँ पर भी लंबाई डिवाइडेड बाय 72। लंबाई कितनी है, 46 डिवाइडेड बाय 72। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगी और प्लस करेंगी तो आपके पास क्या होगा, घुटने से समाल का फासला निकल आएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने करूँगी, डायरेक्ट करूँगी, आपने अलग अलग जैसे मैंने ऊपर किया है सेम इसी तरह आप करके निकाल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी, 46 डिवाइडेड बाय 18, इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है, 2.5। अब इसमें मैंने क्या करना है, प्लस 46 डिवाइडेड बाय 72, ये क्या है, 3.1। और यहाँ से आप एक आगे से ऐड भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो मेरा घुटने से समाल का फार्मूला आया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 3.2, यानी कि यहाँ पर 3.1 आया और आगे हमारी भरी रकम है तो इसमें आपने क्या करना है, 1 के साथ 2 ऐड कर लेना, यानी एक रकम प्लस कर लेनी है। तो यहाँ पर 3.2 मेरा क्या है, घुटने से समाल का फासला। अब आगे क्या है, समाल से पिंडली का फासला कितना है, 3.8। समाल से पिंडली क्या है, ये हमारा समाल लाइन थी, ये हमारी समाल थी और ये हमारी क्या है, पिंडली। अब इसका फासला क्या है ये आपको मैं बताऊंगी, समाल से पिंडली का फासला, समाल से पिंडली के फासले के लिए आपने क्या करना है, टोटल लंबाई उसे डिवाइडेड बाय 12 करना है, यानी कि 46 डिवाइडेड बाय 12। 46 को जब आप 12 पर डिवाइड करेंगी, 46 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका जो समाल से पिंडी का फासला है वो कितना है, 3.8 सेंटीमीटर, ये देख सकती हैं आपको 3.8 सेंटीमीटर नीचे की तरफ। अब उसके बाद मैं आपको घुटने की चौड़ाई निकालने का फार्मूला बताऊंगी, वो क्या है, लंबाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस लंबाई डिवाइडेड बाय 12। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, घुटने की चौड़ाई, हमारे घुटने की जो चौड़ाई है ये है हमारा घुटना, ये घुटने की जो चौड़ाई है ये 9.6 है, ये किस तरह निकाली गई है, लंबाई डिवाइडेड बाय 3 पहले लिखना है आपने, फिर उसके बाद फिर लंबाई डिवाइडेड बाय 12 करना है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगी, 46 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल कितना है, 19.1। यहाँ पर मेरा कितना है, 19.1 cm आया।
घुटने की जो चौड़ाई आपकी निकली है 19.1 cm, इसका आपने निफ्स कर लेना है, यानी कि डिवाइडेड बाय टू कर लेना है। डिवाइडेड बाय टू करने के बाद जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, घुटने की चौड़ाई यहाँ पर मेरी आई है 9.6, यानी कि जो हमारी घुटने की जो हमारी ये घुटने की जो चौड़ाई थी, यहाँ से हमारी घुटने की जो चौड़ाई है 9.6। अब उसके बाद बारी आती है समाल। समाल क्या है, ये वाली लाइन, इसकी हमने चौड़ाई निकालनी है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। ये कितनी हमारी 8.6। अब यहाँ पर समाल की चौड़ाई ये कितनी है, आपने कैसे निकालनी है, लंबाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस लंबाई डिवाइडेड बाय 24, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आंसर रहेगा उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 कर ले, यानी उसका आपने हाफ कर लेना है। वो क्या होगा, आपके समाल की चौड़ाई, यहाँ पर मैं आपको करके समझाती हूँ। यहाँ पर 46 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 24, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगी और डिवाइड करेंगी तो आपके पास कितना आता है, 17.2 cm। और इसके बाद जब आप इसको डिवाइडेड बाय टू करेंगी यानी इसका निफ्स लेंगी तो आपके पास कितना आएगा, 8.6 cm। तो ये क्या होगा, हमारा समाल की चौड़ाई होगी। अब उसके बाद बारी आती है हमारी पिंडली। पिंडली हमारी क्या है, ये है हमारी पिंडली, यहाँ से मैं पिंडली की चौड़ाई लूँगी, ये कितनी है मैं 9 cm, ये किस तरह निकलेगी पिंडली की चौड़ाई निकालने के लिए क्या है, लंबाई डिवाइडेड बाय 3 प्लस लंबाई डिवाइडेड बाय 18, इन दोनों को प्लस करने के बाद 17.9 cm आया है, उससे आपने क्या करना है, 2 पर डिवाइड। यहाँ पर मैं आपको करके समझाती हूँ, 46 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 18, इन दोनों को जब आप डिवाइडेड बाय करेंगी और प्लस करेंगी तो आपके पास कितना आता है, 17.9 cm। अब इसके बाद आप इसका निफ्स कर लेंगी यानी इसका हाफ लेंगी, यानी हाफ लेंगी आप तो वो कितना होगा, 9 cm। तो ये क्या होगा, हमारी पिंडली की चौड़ाई, ये आप देख सकती हैं, ये हमारी पिंडली की जो चौड़ाई है ये कितनी है, 9 cm। और उसके बाद बारी आती है मियाने की लंबाई। मियाने की लंबाई कौन सी है, ये हमारी मियाने की लंबाई, ये कितनी है, 20.4 cm। मियाने की लंबाई किस तरह निकालनी है, लंबाई डिवाइडेड बाय 2, इसमें क्या करना है, माइनस करना है, और लंबाई डिवाइडेड बाय 18, लंबाई कितनी है, 46 डिवाइडेड बाय 2 करना है, और इसके बाद माइनस लंबाई कितनी है, 46 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, जब आप मियाने की निकालेंगी तो आपने माइनस करना है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगी तो आपके पास कितनी आएगा, 20.4 cm। ये क्या है, हमारी मियाने की लंबाई। अब उसके बाद बारी आती है मोहरी की चौड़ाई। मोहरी कौन सी है, हमारी ये जो नीचे है, ये हमारी जो पंचा भी हम इसे बोलते हैं, ये क्या है, हमारी मोहरी की चौड़ाई, ये हमारी किस हिसाब से निकलेगी, लंबाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस लंबाई डिवाइडेड बाय 18, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस कर लेना है, फिर उसके बाद इसका निफ्स कर लेना है। ये मैं आपको मज़ीद करके समझाती हूँ, मोहरी की चौड़ाई 46 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 18, इन दोनों को जब आप डिवाइडेड बाय करेंगी और प्लस करेंगी तो आपके पास क्या आएगा, 14.1 cm। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इसका भी आपने निफ्स कर लेना है, यानी इसका भी आपने हाफ कर लेना है, वो कितना होगा, 7.1 cm। तो ये क्या होगा, आपकी मोहरी की चौड़ाई, यानी कि ये जो आपकी 7.1 cm है, ये क्या है, मोहरी की चौड़ाई ये आपकी निकलेगी। और उसके बाद बारी आती है हमारी नेफा। नेफा आप कितना लेंगी, 2.5 ले सकती हैं, 2.6 ले सकती हैं, या जिस लास्ट के हिसाब से भी आप बना सकती हैं, जितना भी आप रखना चाहें उस हिसाब से रखेंगी।
ये इस तरह ये हमारा जो फार्मूला है, अगर आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहेंगी तो इस मेथड को फॉलो करके बहुत ही इजी तरीके के साथ आप बना सकेंगी। करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको फार्मूले की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप किसी भी साइज़ में स्केयर कट पजामा बनाना चाहेंगी, आपके पास लेंथ होगी, आप लेंथ की मदद से बॉडी की लंबाई, चौड़ाई, घुटने की लंबाई, चौड़ाई सब कुछ बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी फार्मूले का ड्राफ्ट बनाकर कॉपी पर समझाऊंगी। ये हमारा ड्राफ्ट किस हिसाब से बना है ये सारा मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और अगर आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।